हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ उड़ान बैच का चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारा पॉलिनोमियल है, उसका सेकंड लेक्चर। सेकंड लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक्स को मेजरली कवर करने वाले हैं। एक टॉपिक हमारा होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, और दूसरा टॉपिक होगा हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल्स को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को समझने से पहले हम एक एग्जांपल को देखते हैं। उस एग्जांपल को समझते ही आप लोगों को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी इसका मीनिंग होता है। तो देखो, जैसे यहाँ पे एक पी एक्स एक पॉलिनोमियल गिवन है। पॉलिनोमियल की पहचान क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने लेक्चर 1 में पढ़ा दिया। अगर आप लोगों ने अभी तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले लेक्चर 1 देखिए, उसके बाद में लेक्चर नंबर 2 देखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि लेक्चर 1 में मैंने छोटी छोटी बेसिक डेफिनेशंस आप लोगों को वहाँ पे अच्छे से समझाई है। तो आई होप आप लोग पहले लेक्चर नंबर देख लिए होंगे, उसके बाद में लेक्चर नंबर 2 देख रहे होंगे। तो देखिए, ये पी एक्स एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की पहचान ये होती है कि सभी वेरिएबल्स की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए, यानी कि पावर वेरिएबल यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो वेरिएबल की पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से कुछ होनी चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल, जैसे वेरिएबल्स मैंने लिख दिए, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी क्रॉस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर या एक्सपोनेंट कितना है, 4 है। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स की पावर 0 मान सकते हैं। उसके हिसाब से वेरिएबल की पावर कितनी हो गई, 0 हो गई। अब इन सब में, इन तीनों टर्म्स के अंदर जो पावर्स है उनमें सबसे हाईएस्ट वाली या जो ग्रेटेस्ट पावर है वो कितनी है, 4 है। तो किसी भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसके सभी टर्म्स में से जो सबसे ग्रेटेस्ट पावर होती है, उस ग्रेटेस्ट पावर को ही क्या बोला जाता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाता है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो डिग्री हो गई वो कितनी हो गई, 4 हो गई। आई होप ये बहुत ही आसान चीज़ थी, आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ये भी मैंने लिख भी दिया, द ग्रेटेस्ट पावर या फिर एक्सपोनेंट ऑफ द टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी, इन सभी टर्म्स के अंदर से जो हाईएस्ट वाली पावर होगी वो इसकी डिग्री कहलाएगी। अब यहाँ पे जो 2-3 छोटे छोटे नोट हैं उनको समझते हैं। देखो, जैसे कई बार क्या होता है, कोई कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है, इसको मैं आगे वापस से भी रिवाइज करूंगा। कांस्टेंट टर्म है, जैसे यहां पे 7 लिख दिया। अब कांस्टेंट टर्म के साथ में तो मल्टीपल कोई है ही नहीं, तो यहां पे एक्स की पावर 0 या फिर एक्स की पावर y की पावर 0 ऐसा कुछ मान लो। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब है उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7x की पावर 0 या फिर 7y की पावर 0। मतलब अगर यहाँ पे वेरिएबल रहा भी होता तो उसकी पावर कितनी होती, 0 होती। तो जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है उसकी जो डिग्री होती है, उसकी डिग्री हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। ये हमेशा आप लोगों को याद रखना है। आई होप ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, उसमें भी इसको वापस से रिवाइज करेंगे। ये चीज़ हमारा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग ये काम करते हैं कि पॉलिनोमियल्स के क्या कर लेते हैं, टाइप्स को पढ़ लेते हैं। टाइप्स पढ़ने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, डिग्री के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और आज का लेक्चर थोड़ा छोटा लेक्चर होने वाला है। तो देखो, सबसे अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को भी हमें 3 तरीके से कैटेगराइज किया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि वेरिएबल्स के बेसिस पे कितना होगा, अलग अलग वेरिएबल हो सकता है। किसी पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल हो, किसी में 2 वेरिएबल हो, किसी में 3 वेरिएबल हो, ये चीज़ ध्यान रखना। हमारे सिलेबस में जो भी पॉलिनोमियल्स है उसके अंदर हम केवल एक ही वेरिएबल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे डिग्री के बेसिस पे। डिग्री अभी हमने पढ़ा है, डिग्री 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, तो उसके हिसाब से उसका क्या नाम निकाला जाएगा। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। टर्म्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेक्चर 1 के अंदर, कि जो भी सेपरेटेड होते हैं प्लस माइनस से, किसी भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो पार्ट्स जो सेपरेटेड होते हैं प्लस माइनस से, उनको हम टर्म्स बोलते हैं। तो एक टर्म हो सकता है, 2 टर्म हो सकता है, उसके बेसिस पे क्या होगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, कैटेगरी है, वो है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स। अब ये डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स क्या है, इसका मतलब भी समझ लो। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग होने चाहिए। अब ऐसे जैसे ये नहीं होगा, जैसे यहाँ पे एक्स कितना है, यहाँ पे भी वेरिएबल एक्स है, यहाँ पे भी वेरिएबल एक्स है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल यूज नहीं हुए। वेरिएबल कितना है इस पूरे पॉलिनोमियल का, 1। तो ये पूरा जो पूरा पॉलिनोमियल है वो 1 वेरिएबल वाला है। ऐसे नहीं बोलेंगे कि यहाँ तो 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, एक्चुअल में डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग वेरिएबल्स होने चाहिए। आई होप ये बात आप लोगों के समझ में आ रही होगी।
अब है हमने मैंने टेबल की फॉर्म में आसानी से समझा दिया, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्टेंट वेरिएबल कितने हैं उसके हिसाब से उनका क्या नाम निकालेंगे और उसके हिसाब से उनका एग्जाम्पल क्या होगा वो समझते हैं। तो देख जैसे कि वेरिएबल एक हो सकता है, अगर वेरिएबल ही नहीं है तो मैंने बताया था उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल एक होगा तो उसको हम बोलते हैं यूनिवेरिएट, यूनि का मतलब होगा एक। वेरिएबल दो है तो उसको हम बोलेंगे बाईवेरिएट, बाई का मतलब यहाँ पे क्या है टू। वेरिएबल अगर थ्री है तो उसको हम बोलेंगे ट्राई वेरिएट, जैसे एग्जांपल देखो x प्लस इलेवन, यहाँ पे एक ही वेरिएबल दिख रहा होगा x, x प्लस y प्लस इलेवन, यहाँ पे क्या दिख रहे होंगे x और y दो वेरिएबल्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे x प्लस y प्लस z प्लस इलेवन, यहाँ पे तीन वेरिएबल्स दिख रहे होंगे x, y और z, तो तीन वेरिएबल वाले को ट्राई वेरिएट बोलेंगे, दो वेरिएबल वाले को बाई वेरिएट बोलेंगे, एक वेरिएबल वाले को यूनिवेरिएट बोलेंगे। लेकिन हमारे सिलेबस में क्लास टेंथ के में कौन सा है, केवल यूनिवेरिएट हमारे को पढ़ना। इसके अलावा अगर ए पॉलिनोमियल इन मोर देन वन, अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल है जैसे टू वाला थ्री वाला फोर वाला, तो उसको बाई वेरिएट ट्राई वेरिएट ना बोल के कॉमन नाम निकाल दिया हमने मल्टी वेरिएट। एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो हम बोलेंगे मल्टी वेरिएट, पाँच वाले को भी मल्टी वेरिएट बोल सकते हो, दो वाले को भी मल्टी वेरिएट बोल सकते हो, इसका अलग से भी नाम होता है बाई वेरिएट। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आगे की दो कैटेगरी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है और नंबर ऑफ मतलब डिग्री के बेसिस पे किस तरीके से पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले है नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे कैसे करेंगे। तो देखो हो सकता है कि किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म हो सकता है, किसी पॉलिनोमियल में दो टर्म्स हो सकता है, किसी पॉलिनोमियल में तीन टर्म्स हो, कितने भी टर्म्स हो सकते हैं। तो एक टर्म होने वाले जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म होगा उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ये चीज़ आप लोग कभी ना कभी पहले छोटी क्लास में पढ़ चुके होंगे, सिक्स सेवन्थ क्लास में आता है, वहाँ पे एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के टाइप्स पढ़ते हैं। तो जिस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म हो, जैसे कि माइनस सेवन एक्स, एक सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। मोनो का मतलब एक होता है, नोमियल का मतलब मैं बता चुका हूँ, ठीक है। नोमियल का मोनो का मतलब होता है वन, और नोमियल नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो जिसमें एक टर्म हो उसको मोनोमियल बोला जाता है, जिसमें दो टर्म हो, नंबर ऑफ टर्म दो है तो उसको बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है टू, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ बाई का मतलब होता है टू। ऐसे ही तीन टर्म वाले को ट्राइनोमियल बोला जाएगा। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन, यहाँ पे दो टर्म्स दिख रहे होंगे एक्स स्क्वायर और इलेवन। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, ये जो टर्म्स होने चाहिए ना, ये टर्म्स कैसे होने चाहिए, अनलाइक। अगर लाइक टर्म्स है तो वो एड हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊँ, पहले इसको भी देख लो, तीन टर्म वाले को क्या बोलेंगे हम, ट्राइनोमियल। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस इलेवन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स और माइनस इलेवन तीनों अनलाइक टर्म्स है। अब जैसे ये वाला एग्जांपल ले, तो यहाँ पे अगर आप लोग डायरेक्ट देखोगे तो आप लोगों के अकॉर्डिंग आंसर आएगा तीन टर्म्स दिख रहे होंगे, एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस सेवन, तीन टर्म्स है अलग अलग। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर वाले दोनों लाइक टर्म्स है, तो इनको एड करके हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ये जो कि वन एक्स स्क्वायर होता है, मैंने बताया था एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, वहाँ पे वन होगा, तो एक्स स्क्वायर और थ्री एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर और प्लस का सेवन। ये एक्चुअल में दो ही टर्म्स है, तो ये कौन सा है, बाइनोमियल है, ना कि ट्राइनोमियल है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। साथ में एक छोटा सा नोट है, वो नोट क्या है, कभी भी अगर हमारे को पॉलिनोमियल को लिखना है तो पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, पावर्स की डिक्रीजिंग फॉर्म में, यानी कि जैसे हाईएस्ट डिग्री को सबसे पहले, फिर उससे छोटी डिग्री, फिर उससे छोटी डिग्री, फिर उससे छोटी डिग्री, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल पे के तौर पर मैं समझाऊँ, कोई पॉलिनोमियल हमारे को लिखा हुआ है, ये पॉलिनोमियल हमारे को दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, इसको या तो हम लोग क्या करेंगे, पावर्स की डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखेंगे या पावर्स की इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखेंगे। अभी ये बीच बीच में से लिखा हुआ है, जैसे कहीं पे तीन आ गया फिर चार हो गया, तो इसको जनरली लिखने का जो स्टैंडर्ड तरीका है वो क्या होता है, एक्स की पावर फाइव सबसे पहले, फिर प्लस का एक्स की पावर फोर आएगा, फिर प्लस एक्स पावर थ्री आएगा, फिर माइनस टू एक्स स्क्वायर आएगा, फिर माइनस एक्स आएगा, फिर प्लस, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये लिखा, इफ द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ध्यान रखना वन वेरिएबल वाला ही पढ़ रहे हैं, मैं लास्ट लाइन पे बता भी चुका हूँ कि हमारे सिलेबस में वन वेरिएबल वाला है, तो इट्स यूजुअली रिटर्न ईदर फ्रॉम हाईएस्ट डिग्री टू लोएस्ट, या तो हाईएस्ट डिग्री टू लोएस्ट और फ्रॉम लोएस्ट डिग्री टू हाईएस्ट। तो ज़्यादातर हम लोग हाईएस्ट से लोएस्ट ही लिखते हैं, ठीक है, लेकिन लोएस्ट से हाईएस्ट भी लिखा जा सकता है, या हम इसको लिख सकते हैं वन माइनस एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर फोर और प्लस एक्स पावर फाइव। तो ये दोनों तरीके क्या हैं, किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने के होते हैं। आई होप ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी।
इसी के साथ हमारा नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल खत्म हो गया। इसके बाद आता है बेस्ड ऑन डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक एक नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो देखो डिग्री के बेस्ड पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने 5 टाइप समझाए, एक टाइप का और होता है जिसको भी हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, नोट की फॉर्म में समझेंगे उसको। अगर जैसे कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 0 है, अभी मैंने लास्ट स्लाइड पे नीचे यहाँ पे नोट भी समझाया था भाई, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कोई भी होगा तो इसके यहाँ पे मल्टीपल में क्या मान लो, एक्स की पावर 0 मान लो, तो एक्स की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो -7 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो -7 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है, 0 है, तो हम बोलेंगे कि जिसकी डिग्री 0 होती है ऐसे पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, जो कांस्टेंट होगा ना, जैसे -7 एक कांस्टेंट है, ये 0 नहीं होना चाहिए। अब 0 होगा तो क्या होगा, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ये आप लोगों ने 7th-8th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, और 9th में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो वहाँ पे जो लीनियर का मतलब था ना, वहाँ पे इसका मतलब ये था कि वहाँ पे जो भी हम इक्वेशंस पढ़ते थे उसमें जो भी वेरिएबल्स यूज करते थे, एक्स वाई कुछ भी, जिसके अंदर उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती थी, 1, हाईएस्ट पावर कितनी होती थी, 1, तो इसलिए उनको क्या बोला जाता था, लीनियर। जैसे देखो यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है, 1 है हाईएस्ट पावर, यहाँ पे एक्स कुछ है नहीं है तो यहाँ पे पावर 0 है, 0 और 1 में हाईएस्ट 1 होती है, तो डिग्री कितनी हो गई, 1 डिग्री वाले को क्या बोला जाता है, लीनियर बोला जाता है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। 2 डिग्री वाले को क्वाड्रेटिक बोला जाता है, नाम याद रखना है। 3 डिग्री वाले को क्यूबिक बोला जाता है। 4 डिग्री क्या है, 2 का डबल है, क्वाड्रेटिक का भी डबल है, और 2 डबल का मतलब बाई, तो इसको क्या नाम निकाल दिया इसका, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। 5 डिग्री वाला, वैसे तो जनरली हमारे को इतनी हायर डिग्री वाले पढ़ने नहीं है, लेकिन नाम पता होना चाहिए, इसको बोला जाता है क्वेंटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री 5 है तो क्वेंटिक बोला जाता है, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 1 है तो लीनियर, और डिग्री अगर 0 है तो उसको कॉन्स्टेंट बोला जाता है। इन सब के देखो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं, आप देख सकते हो, क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट डिग्री 2 दिख रही होगी, क्यूबिक की 3 दिख रही होगी, बाई क्वाड्रेटिक की 4 दिख रही होगी, और जो क्विंटिक पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 5 दिख रही होगी। एक नोट है जो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ, इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। अब हम कुछ नोट देखते हैं, और एक नोट है छोटा सा, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको सोल्व करने के साथ ही आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो देखो नोट क्या है, 0 पॉलिनोमियल। अब ये 0 पॉलिनोमियल क्या है उसको समझते हैं। अभी मैंने लास्ट स्लाइड पे बताया था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में मैंने क्या बताया था कि जिसकी डिग्री 0 होती है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है, लेकिन जो कांस्टेंट है वो कितना होना चाहिए, नॉन जीरो, मतलब वो 0 वाला कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। भाई 0 भी तो एक कांस्टेंट ही है, उसकी वैल्यू भी तो थोड़ी ना बदलती है। तो जो कांस्टेंट 0 हो जाए तो क्या करें, तो जैसे मान लो कि पीएक्स बराबर 0 एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब यहां क्या होगा, इसके मल्टीप्लाई में एक्स की पावर 2 मान लो तो भी 0 ही आएगा, एक्स की पावर 3 कभी रहा होगा तो भी 0 आएगा, वाई की पावर 100 रहा होगा मान लो तो भी आंसर तो कितना आया होगा, 0। लेकिन अगर मान लो एक्स की पावर 2 रहा होगा, उसके हिसाब से सोचे तो डिग्री कितनी है इसकी, 2 है, एक्स की पावर 3 रहा होगा तो उसके हिसाब से डिग्री कितनी सोच सकते हो, 3 सोच सकते हो, वाई की पावर 100 अगर इसके मल्टीप्लाई में रहा होगा तो उसके हिसाब से डिग्री कितनी सोच सकते हो, 100 सोच सकते हो, लेकिन एक्चुअल में फिक्स तो बता ही नहीं सकते ना, कुछ भी हो सकता है इसके मल्टीप्लाई में। तो इसलिए जो कॉन्स्टेंट अगर 0 हो जाए तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं, और 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। यहाँ से एक नंबर में आ सकता है क्वेश्चन कि बताओ ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, 0 पॉलिनोमियल, या 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी। कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। उसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन है, वो क्या है, हम इन सभी 4-5 क्वेश्चन जो दिए हुए हैं इनके हमें क्या पता करने हैं, डिग्री फाइंड करनी है। तो डिग्री का बेसिक मतलब अभी मैंने समझाया था, हाईएस्ट पावर जितनी होगी वो डिग्री होगी। यहाँ पे देखो इन सब में देखो, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 हो जाएगी हाईएस्ट वाली पावर। फिर यहाँ कुछ भी नहीं है पावर, 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, इसकी भी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट ओवरऑल कितनी है, 2 है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो रूट 3 है, तो 3 के रूट से हमें कोई मतलब नहीं है, एक्स की पावर देखनी है, एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे 0 है, हाईएस्ट 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी है, 1। अब इसके बेसिस पे तुम नाम भी लिख सकते हो, इन दोनों का नाम क्या होगा, क्यूबिक होगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, इसका नाम क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता था, जिसकी डिग्री कितनी होती थी, 2 होती थी। यहाँ पे 1 है तो इसको क्या बोलेंगे, हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे।
अब यहाँ तुम्हें सोल्व करना पड़ेगा, पहले इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर दोनों का सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर जो आएगा उसको बताना पड़ेगा। उससे पहले मैं ये बता देता हूँ, ये कांस्टेंट पॉलीनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी होगी, जीरो होगी। ये जीरो पॉलीनोमियल है तो इसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी। बस एक एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इसको सोल्व कर लेते हैं, तो पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी तीन का स्क्वायर नाइन प्लस टू ए बी, टू एक्स मल्टीप्लाई थ्री यानी 6x हो जाएगा। फिर इस वाले को क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 9 माइनस 6x हो जाएगा। फिर आगे माइनस ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो यहाँ पे 9 आया, यहाँ पे 6 हो गया, ये माइनस है और ये प्लस है तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस का 9 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का 6x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो गया, जीरो हो गया, 9 माइनस 9 जीरो हो गया, 6x और 6x कितना हो गया 12x। अब 12x में x की पावर कितनी है, 1 है, तो ये इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। और इसका टाइप क्या होगा, लीनियर होगा। इसका टाइप क्या है, कांस्टेंट है, और इसका टाइप क्या है, जीरो पॉलीनोमियल है। आई होप ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी, इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने खुद के नोट्स बनाइए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए, ठीक है। इसके साथ ही हमारा बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू।